नमस्कार, मैं हूं राजेश तनवर प्रजापति और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो पहुंचाता है आपके शहर की हर खबर आप तक। देश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए आपातकाल की 45वीं बरसी पर दिल्ली बीजेपी ने प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी के मौके पर बीजेपी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश कुमार के साथ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल पर जमकर निशाना साधा। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल थोपा गया। अपनी सीट को, अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए लोकतंत्र पर कुठाराघात जिस तरह से कांग्रेस ने किया, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में ये सब काम हुए। देश के अंदर मीडिया को प्रतिबंधित किया गया, लोगों के अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया, लोगों को परेशान किया गया और जेलों में ठूसा गया। 1.5 लाख लोग पूरे देश के अंदर जेलों में ठूसे गए और उनको कठोर यातनाएं दी गई। इन सब चीज़ों की जो प्रदर्शनी, इन सब बातों को याद करते हुए हमारे यहाँ पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी ने, अब वो भी जेल में रहे, तो उन्होंने सब यादों को ताज़ा करते हुए ये प्रदर्शनी रखी गई। और ख़ास बात यह है कि आज कांग्रेस के लोग जो बातें कह रहे हैं, चाहे वो चीन के विषय पे हो या कोरोना के विषय पे हो, आज सत्ता में जब वो रहते हैं तो उनका क्या चरित्र होता है और सत्ता में नहीं होते हैं तो क्या चरित्र होता है, ये चेहरा और चरित्र जो बदलता रहता है ये उससे बेनकाब होता है। कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की है, वो उसके मूल चरित्र में है। और आज लोगों को, आज नई पीढ़ी है, बहुत से लोग नहीं जानते कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई और उसमें कितनी यातनाएं दी गई। उस नई पीढ़ी को भी हम लोग इस के माध्यम से उसको याद कराना चाहते स्मृति दिलाना। देखिए, 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, जो कांग्रेस की नेता थी, अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल घोषित कर दिया, यानी कि मौलिक अधिकार आपके छीन लिए, प्रेस पे सेंसरशिप कर दी गई, सारे विरोधी दलों को जेलों में डाल दिया गया, नेताओं को, लाखों लोगों को यातनाएं दी गई, नसबंदी जबरन की गई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें की गई। तो इसीलिए हम इस इमरजेंसी को याद करते हैं ताकि देश में दोबारा कोई ऐसा तानाशाह पैदा नहीं हो जो आपातकाल लगाए और हमारे देश का जो लोकतंत्र के कारण जाना चाहता है वो गला घूंटे। मैं और मेरे पिता श्री चरतीलाल गोयल दोनों इमरजेंसी में जेल में थे, वो अंबाला जेल में थे, मैं तिहाड़ जेल के अंदर था। तो हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि कितनी यातनाएं उस समय सब लोगों ने सही थी, किंतु कांग्रेस ने कोई भी सबक सीखा नहीं है इमरजेंसी से। आज भी उनका डिक्टोरियल एटीट्यूड है, आज भी वो परिवारवाद की बात करते हैं, आज भी वही गांधी के संस्कार उनके अंदर है, इंदिरा गांधी ने जैसे किया है, और आज भी उनकी नकारात्मक सोच है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे देश का डेवलपमेंट हो, इस सब के ऊपर जो है नेगेटिव और नेगेटिव उनका सिर्फ रोल है। मैं समझता हूँ कि देश में दो मामलों के अंदर हमेशा एकता रही है, एक रक्षा नीति और एक विदेश नीति के ऊपर। आज राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता उसका उल्लंघन कर रहे हैं, देश की एकता को चोट पहुंचा रहे हैं।